जय गुरुदेव। आजकल आपने सुना होगा, लोग एक सेंटेंस कहते हैं, समय खराब है, समय खराब है। आज मैं आपको एक नई सोच दे रहा हूं, जहां हम ये जो खराब शब्द है ना, उसको निकाल देते हैं और कहते हैं समय है, समय है। समय को मैं तीन हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला हिस्सा है टाइम टू रिलैक्स योर सेल्फ, टीवी देखना, मूवीज देखना, रेडियो सुनना, न्यूज़पेपर पढ़ना, परिवार के साथ बैठना, गप्पे लड़ाना, चैटिंग करना, जिससे आप शांत हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। दूसरा हिस्सा है रूटीन वर्क, टाइम फॉर रूटीन वर्क, स्नान करना, तीनों समय खाना खाना, सो जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस का काम, ऑफिस आवर्स, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये रूटीन वर्क है। और तीसरा है टाइम टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, आगे बढ़ने वाला समय, जिस कार्य से आप जीवन में आगे बढ़ते हो उसमें लगने वाला समय। टाइम मैनेजमेंट क्या है? पहला हिस्सा टाइम टू रिलैक्स योर सेल्फ, उसको हम बाजू में रखते हैं, वो बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है अगर हम खुश और आनंदित रहना चाहते हैं तो। दूसरा हिस्सा रूटीन वर्क, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो अभी ऑफिस नहीं जाना है, अभी स्कूल नहीं जाना है, अभी किधर भी ट्रैवलिंग नहीं करना, घर से बाहर नहीं जाना है, तो वो जो समय है ना, वो कम उपयोग में हो रहा है, वो स्क्वीज हो गया, कम हो गया। वो जो कम हुआ हुआ समय है ना, अगर उसको तीसरे हिस्से में यूटिलाइज करते हैं, टाइम टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, लाइक इनोवेशन, कुछ नया ढूंढना, लाइक डिजाइन करना, लाइक अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना, लाइक पेपर वर्क करना, प्लानिंग करना, अगर हम ये सब कुछ उस समय का जो बचाव है ना, उसका उपयोग अपलिफ्टमेंट में के जो समय है ना, उसमें लगाते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कुछ नया करना है लेकिन टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने शुरुआत किया सेशन का, समय है किसके लिए? प्लानिंग के लिए। समय है कुछ नया प्रोडक्ट लाने के लिए, समय है कुछ नया डिजाइन करने के लिए, समय है आपके पास अभी, जब भी ये क्वारंटाइन खुलेगा, जब भी ये बंधन आपका खुलेगा ना, उसके बाद, तुरंत बाद, कुछ नया लाने का, कुछ जबरदस्त करने का, कुछ पावरफुल करने का और सबको चौंका देने का समय है, आपके पास समय है।